एनडीटीवी इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक इस साल लोगों में क्रिप्टो करेंसी के प्रति रुचि जो है वो काफी कम हुई है। इस साल चाहे जो भी हो, लेकिन साल 2020 से 2021 के बीच में क्रिप्टो करेंसी में इतिहास की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। फिर ऐसा क्या हुआ जो तब से लेकर अब तक मार्केट में सिर्फ गिरावट ही देखने को मिल रही है, और ऐसा क्या हुआ था 2020 से 21 के बीच जो इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली थी? जानेंगे इन्हीं सब सवालों के जवाब, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो। 2020 से 21 के बीच में दुनिया भर की गवर्नमेंटों ने, या यूं कहें वहां की सेंट्रल बैंकों ने, दबाकर नोट छापे और कम ब्याज पर बैंकों और NBFC को लोन दिया और रेपो रेट है वो भी कम कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया भर में पैसे की भरमार हो गई और फिर यही पैसा क्रिप्टो मार्केट और शेयर मार्केट में आया, जिसकी वजह से शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों में ही एक जोरदार तेजी देखने को मिली। और ये जैसे ही तेजी आई तो इसकी खबर सारी दुनिया में न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के जरिए फैल गई, जिसकी वजह से जो लोग क्रिप्टो मार्केट को जानते भी नहीं थे, जिनको क्रिप्टो के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, वो भी इसमें रुचि रखने लगे और वो भी अपना पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करने लगे, जिसकी वजह से ये तेजी और बढ़ गई और ये तेजी 2021 के लास्ट तक चली। फिर अचानक क्या हुआ, जो मार्केट तब से लेकर अब तक गिरती आ रही है उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह, दुनिया भर में पैसा ज्यादा होने की वजह से महंगाई आसमान छूने लगी, जिसको काबू करने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने जो रेपो रेट है वो बढ़ा दिए, जिससे लोन अब काफी महंगे हो गए। तो जिन लोगों ने लोन लिया था और जिन लोगों ने लोन लेकर पैसा क्रिप्टो मार्केट या शेयर मार्केट में लगाया था, उनका जितना प्रॉफिट होना था वो 2020 से 21 के लास्ट तक हो चुका था। ऐसे में जो रेपो रेट है वो भी बढ़ गया था और उनकी लोन पर ब्याज भी बढ़ के लगने वाला था, इसलिए लोगों ने अपना जो पैसा है वो वहां से निकालना शुरू कर दिया। और जब पैसा निकला तब ये जो मार्केट है वो नीचे गिरना शुरू हुई और तब से लेके अब तक नीचे गिर रही है।